बहुत सोहना उत्साह से जी सारे ही किसानों के अलग अलग पिंडों के अलग अलग जगह तो सारे ही लगभग पिंडों के सारे ही कस्बे चो किसान इतने पहुँचे से सारे ही आगू आए अं उन्हों का भी तह दिल तो धन्यवाद करते हैं। ये एक साढ़े सरसा जिले के जिन्हें भी किसान साथी ने उन्होंने एक नव जोश आएगा क्योंकि 22 तरीक का सॉरी जदों रद्द हो गया एक बार महापंचायत तो उस तो बाद एक निराशा जी सी किसानों के अंदर ताकि असी वड्डे आगू साढ़े जिले के अंदर आ रहे थे असी उन्होंने सुन नहीं पाए उन्होंने विचार नहीं सुन पाए उहदे नाल हुण विचार सुने ने उन्होंने लोगों के अंदर एक उत्साह आए एक वधाई दिंदे सी सारे ही लोग कि साढ़े जिले के अंदर एक एड्डा वड्डा कट होया असी सारे वड्डे आगूआं नूं सुनिया इहदे नाल इस अंदोलन दे विच एक तेजी मिलेगी रफ्तार मिलेगी तो संगतां होर भी ज़्यादा वध चढ़ के इस अंदोलन दे विच हिस्सा लैण गईआं ने। को कूड़ प्रचार कई दिनों तो चलाया जा रहा है कुछ लोग पार्टियां दे लई करदे ने जां कह दईए मानसिकता कुछ इस तरह की हो रही है वो लोग ये प्रचार कर रहे सी कि इन्हां आगूआं दे विचों कुछ आगू नहीं आउणगे इत्थे तुहानूं झूठ प्रचार कर रहे ने पर वो देखा जाए तो सारे आगूआं ने आ के ये उन्होंने सहमति जताती कि असी पार्टियां दे किसी भी पिट्ठुआं दे कहण ते किसी तरह का कोई भी अंदोलन दे विच नैगटिविटी नहीं लियावांगे वो सारे ही किसानां दे मंच ते आणगे ते राजेवाल साहब बोल के भी गए ने कि असी हर एक किसानी दे मंच ते जावांगे किसी भी पोलीटिकल मंच ते नहीं जावांगे। प्रम देखो जी अज जिहड़ा मतलब रहा प्रोग्राम बहुत सोहना सी जिहड़ा मतलब भी अज असी शहीद भगत सिंह दे चाचा जी सी अजीत सिंह उन्हां दा जन्मदिन मनाया सरसे की धरती ते सानूं उन्हां दी बड़ी खुशी हुई जी जिवें बलबीर सिंह जी राजोवाल आए सी जगिंदर सिंह जी अगराहां आए सी कुलवंत संधु जी आए सी जी तो अपने शहीद भगत सिंह दे भाणजा जी जगमो प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी आए सी जी तो होर भी कई आगू आए सी हरियाणे दे विचों भी कई लीडर आए सी किसान साढ़े वीर तो असी उन्हां दा इत्थे पहुँचण ते बहुत बहुत धन्नवाद किया तो अज जिहड़ी सरसे की धरती नूं भाग ला के गए जिवें कि प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी वर्गे आए तो राजोवाल वर्गे जी जिवें कि कई साढ़े इत्थे जिहड़ा विरोध करदे आ पार्टियां दे नाल खड़े होए ने उन्होंने जतन ला लिया कमेटी दे मन के चल परसों चौथे गुरु घर वाले ने साडी एक मीटिंग बुलाई सी शाम नूं ते उहदे विच उन्होंने यह सवाल किया भी राजोवाल तो आउंदे नहीं वो राजोवाल जे अज इसे ग्राउंड दे विच उस ग्राउंड दे विच बोल के गया जिहड़े च असी 6 अक्तूबर नूं बहुत प्रोग्राम मतलब सरकार दे खिलाफ किया सी किसानां ने इकट्ठे होके उसे ग्राउंड दे विच 6 तरीक नूं बोल के गया वो अज जिहड़ी बैट सुन मेरे मूँह वाली तो आपके कन्नां दे विच समार के देख लैण भी राजोवाल का की प्रोग्राम सी ते कितना लंबा उन्होंने स्पीच दित्ती अज तां उन्होंने कहांगे भी ध्यान नाल सुन लैण भी मतलब एक पासे अमृती भी हो के तो मतलब भी कहने भी असी गुरु नूं मनण वाले आ ते एडे एडे वड्डे गप्प मारदे प्रहलाद सिंह भारू खेड़े नूं कहिंदे गप्प मारदे प्रहलाद सिंह भारू खेड़े ने गप्प नहीं मारिया उन्होंने कितने दिमाग च गप्प सीगा उन्होंने अज सामने दिखाता राजोवाल ने बहुत लंबी स्पीच दी बहुत लोगों नूं ज्ञान दिता इन्ने कहिंदे बहुत बहुत धन्यवाद नहीं वो बयान दिया था सरकार को कई बार हो जाता है कुछ बयान दे देते लेकिन अभी फाइनली फैसला नहीं हुआ। हाँ वो हमारी एक सरकार को चेतावनी है कि अगर और परेशान करोगे किसान को तो ऐसा फैसला हो सकता है अभी फाइनली फैसला नहीं किया। आंदोलन अभी चल रहा है सारे पत्ते नहीं खोले जाते। मोदी के एक काल की दूरी खत्म क्यों नहीं हो रही? मोदी झूठ बोलता है वो कहता है एक काल की दूरी पे हमें पता ही नहीं कौन सा नंबर है उसका जिस ना काल करे। नरेंद्र तोमर ने कहा है जी कि भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं होते, इसका मतलब ये है कि उसको डर लगने लगा है। राजा साहब एक बोर्ड लाए गए थे एसएचओ द्वारा कि ऐसा विधानिक है जमावड़ा है। देखो हम बैठे हैं हरियाणा की हरियाणा एरिया में तो दिल्ली पुलिस हमें कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दे सकती वो सिर्फ दबाव क्रिएट करने के लिए। एक बात आपके माध्यम से जो मेरे से वहाँ से रह गई कहनी, दिल्ली पुलिस लोगों को डराने के लिए नोटिस देने लगी सेक्शन 160 के तहत, उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वो ऐसा नोटिस दे ही नहीं सकते, एक्ट में साफ लिखा है। तो इसलिए मैं किसानों को अपील करता हूँ कि जिसको नोटिस आए 160 का 191 का उसको चूल्हे में फेंक दें और कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं, कोई पुलिस स्टेशन ना जाए, अगर किसी को कोई मुश्किल है हमसे तालमेल कर ले। ये सिर्फ धमकाने की बातें हैं और उसमें लीगली उसमें कुछ नहीं, हर पुलिस स्टेशन अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर अगर जाएगा या तो थ्रू कोर्ट वारंट लेके आएगा या उसको अरेस्ट वारंट नहीं कोई नोटिस भेजेगा कोर्ट की तरफ से, यूं ही नोटिस भेजने का उनको अधिकार नहीं है। देखो सारी दुनिया में लोगों को इस आंदोलन के ऊपर सारी दुनिया में हमें सहयोग मिल रहा है समर्थन मिल रहा है, सरकार उससे घबराई हुई है
ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, हमारे विद इन डेमोक्रेटिक राइट्स उस लड़की ने जो किया उसकी हम निंदा करते हैं, सरकार को उन्हें छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है उसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के साथ? देखो यहाँ का भी दबाव है, इंटरनेशनल लेवल पे भी दबाव है, सरकार को अल्टीमेटली झुकना पड़ेगा। गलत बात बहुत देर नहीं चलती, ये कानून उन्होंने गलत बनाए, उनको वापस लेने ही पड़ेंगे। राज्यवाल जी, सरकार कह रही है हम किसानों को समझाएंगे और अमित शाह ने कुछ छुट्टियाँ लगाई हैं किसान नेताओं की, वो वक्त टपा रहे हैं कुछ नहीं। राज्यवाल साहब बठिंडा में उसमें है कुछ नहीं। राज्यवाल साहब बठिंडा में लखा सिंघाना ने जो रैली रखी है क्या आपकी? नहीं देखो किसान मोर्चा का ये चल रहा है प्रोग्राम, इसके बारे में हमने नहीं रखी, वो कोई भी कर सकता है।